टीवी सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी बंद होने पर है ऐसी खबरें बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ रही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है आपको बताती हूँ इस वीडियो में, और इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर हमारे चैनल डेली फिल्म्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं डेली फिल्म्स। सो दोस्तों, आपको बता दूं जो टीवी सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी दिखाई जा रही है और उनके जो फैंस है वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इस स्टोरी में बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। शौर्य और अनोखी की जिस तरह से सगाई हुई है, शादी हुई है, जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है इस सीरियल में, उनके फैंस बहुत ज्यादा इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश है। वहीं उनके फैंस चाहते हैं कि ये सीरियल कभी ना बंद हो, और सोर्सेस से हमेशा खबरों में ये बनी रहती है कि ये सीरियल बंद होने वाली है और इसमें 50-50 चांसेस है कि ये बंद भी हो सकती है। वहीं जो इनके फैंस है वो चाहते हैं कि अगर दूसरा सीरियल आ रहा है, इसका जगह ले रहा है, तो इसका टाइम स्लॉट चेंज किया जाए पर ये सीरियल को बंद नहीं किया जाए। वही जो शौर्य और अनोखी की कहानी है उसमें निभाती अनोखी की जो रोल, वो उनका नाम है दिवात्मा साहा, और दिवात्मा साहा चाहती है कि नहीं बंद हो, वो भी नहीं चाहती और वो भी बहुत निराश है और बोल रही है अगर बंद होता है तो उनको भी बहुत ज्यादा दुख होगा। जी हाँ दोस्तों, और उनके फैंस नाराज होंगे ही क्योंकि उनको नहीं पसंद कि ये शो बंद हो, क्योंकि उनका एंटरटेनमेंट का ये भी जरिया है और कोई भी अगर शो बंद हो जाता है तो फैंस को बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है। सो देखते हैं कि मेकर्स का क्या कुछ फैसला होता है, शौर्य और अनोखी की कहानी कब तक चलती है या फिर कब बंद हो जाती है, आपको मैं अपडेट देती रहूंगी। सो टेलीफिल्म से बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।